हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का लेसन नंबर 12 साउंड के बारे में हम बात करेंगे। सो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा साउंड वेव्स कैसी होती है, क्या वो ट्रांसवर्स होती है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मीडियम होता है, मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट समझते हैं कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, सोर्स क्या दिया, पार्टिकल पड़ा था, ठीक है। अब क्या है कि जैसे इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है तो अभी तो क्या है, रेस्ट में ही है। जैसे इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव होता है, ठीक है, और वापस जो एडजस्टमेंट पार्टिकल है वो डिस्प्लेस्ड होता है। डिस्प्लेस्ड होने के बाद ये अपने वापस रेस्ट की पोजिशन में आता है। रेस्ट की पोजिशन में आने से पहले ये पीछे की तरफ जाता है और फिर क्या आता है, रेस्ट की पोजिशन में आता है। ऐसा कुछ होता है यहाँ पे मूवमेंट इसका, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो ये पार्टिकल्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं रहते, अपनी ही स्थान पर रहते हैं, अपने ही प्लेस पर रहते हैं, बट क्या करते हैं, अपने जो प्लेस होता है, अपना जो रेस्ट की पोजीशन होती है, उसके आगे पीछे क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन करते हैं, ठीक है। उसके आगे पीछे क्या करते हैं, ऑक्सीलेशन करते हैं। अब जिस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, इससे हमें एक बात समझ आ रही है कि जो साउंड वेव्स होगी वो कैसी होगी, वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, क्योंकि ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर में तो क्या होता है, अगर पार्टिकल ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट करता तब होता वो वेव्स कैसी होती है, ट्रांसफर होती है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, तो फिर इसका मतलब जो साउंड वेव्स होगी वो कैसी होगी, नेचर में लॉन्गिट्यूडिनल होगी। कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। बात समझ आ गई आपको, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। हम इसके जो मूवमेंट होते हैं उससे हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, ऑक्सीलेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीलेशन क्या है, अब देखो मीडियम होता है, मीडियम की क्या होती है, डेंसिटी होती है। यहाँ पे एक मान लो सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है, कुछ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है पार्टिकल्स की, ठीक है। यहाँ पर क्या डेंसिटी हमें क्या लग रही है, कम लग रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब जो डेंसिटी, जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, मीडियम की जो डेंसिटी वैल्यू होती है वो ऑक्सीलेट करती है। ऑक्सीलेट कैसे करती है, कि वो मैक्सिमम से मिनिमम फिर वापस क्या जाती है, मैक्सिमम जाती है, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से वापस मैक्सिमम, ये कैसे जाती है, क्योंकि क्या होता है कि कंप्रेशन और रिएक्शन के रीजन क्या होती है, क्रिएट होते हैं, जिनकी इनकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम फिर मैक्सिमम। बात समझ आ गई, ठीक है ना। इनके जो रीजंस बनते हैं उसके कारण इनकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम फिर मिनिमम और फिर मैक्सिमम, ठीक है ना। जो डेंसिटी वैल्यू है ऐसे क्या होती है, वेरिएट होती है। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या आपको, ठीक है ना। इसी की वजह से जब ये जो डेंसिटी वैल्यू है मैक्सिमम से मिनिमम वापस अगेन मैक्सिमम हो जाती है, तब क्या हो जाता है, एक ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बात समझ आई, एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होता है, जो डेंसिटी होती है मीडियम की, उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से बाद में वापस क्या जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो फिर जो एक ऑक्सीलेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यही क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है। आपको इन सिंपल वर्ड एक चीज मैं ऑक्सीलेशन का आपको और अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। पेंडुलम होगा सबके, एक पुरानी जो घड़ियां होती थी पुराने जमाने की, उनमें क्या होता था, पेंडुलम होता था, ठीक है। और वो जब एक घंटा होता पूरा, तो फिर वो क्या होता, बजता था यूं, ठीक है ना। उसका क्या होता था, मूवमेंट होता था। अब होता क्या, अभी तो क्या रेस्ट में, ये रेस्ट में है ना, अभी ये रेस्ट में है, तो फिर ये क्या है कि भाई ये रेस्ट में, और यहाँ पे आई, इसको हम खींच के कहाँ पे लेके आ गए, इसको हम इस पेंडुलम को खींच के लेके आ गए हम अपने इस वाली पोजीशन में, ठीक है ना। इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन तक हम, जहां तक इसको ऊपर उठा सकते हैं वहां तक हमने इसको ऊपर उठाया, ठीक है। ऊपर उठाने के बाद ये क्या, पेंडुलम यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जहां तक क्या है इसकी, जहां तक इसकी मैक्सिमम जानने की क्या कैपेबिलिटी है, वहां तक ही ऊपर उठेगा दूसरे वाले साइड में, ठीक है ना। तो होगा क्या इसमें, ये देखो यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम यहां तक उठाने के बाद ये बीच में आएगा, तो रेस्ट की पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, इसका मिनिमम, उसको वहां पे हम डेंसिटी मिनिमम मान ली, यहाँ पे डेंसिटी के परिप्रेक्ष्य में ले ले, तो यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी, यहाँ पे मिनिमम, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस
मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, सबसे ऊपर हमने उसको उठा लिया, इसके आगे नहीं जाएगा। उसके बाद इसको रिलीज किया, रिलीज करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम आ गया। मिनिमम से फिर वापस कहाँ पे जा रहा है, अपने मैक्सिमम पे जा रहा है। मिनिमम से वापस कहाँ पे जा रहा है, अपने मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है। इसका मतलब ये है इसने क्या किया, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया है। क्या किया इसने, एक ऑक्सीलेशन क्या किया, कंप्लीट किया। बात समझ आ गई। हम इसको लेके गए थे मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट पर ले जाने के बाद हमने इसको रिलीज किया। रिलीज करने के बाद क्या होता है कि वो अपने मिनिमम हाइट पे जाता है, मिनिमम से जाने के बाद वापस से क्या जाता है, अगेन अपनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से वापस मैक्सिमम, तो ऐसे करके ये क्या हो गया, एक ऑक्सीलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और यही क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है, यही क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब मैं इसको लिख देती हूँ, इनवर्स लिख देती हूँ, ठीक है। और हाँ, इनवर्स लिखने से पहले चलो अगली बार बताते हैं, पहले आपको ये सब लिख देती हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीलेशन इन साउंड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा साउंड वेव में जो ऑक्सीलेशन होता है उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जो एक पर यूनिट टाइम में, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने ऑक्सीलेशन होते हैं, यही क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। पर यूनिट टाइम में जितने भी ऑक्सीलेशन होते हैं मीडियम में उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलता है, ठीक है। बात समझ आ गई, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन। ये है द नंबर ऑफ सच ऑक्सीलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है। हमने ये बोला था कि जो पर यूनिट टाइम में, या हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एक सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशंस होते हैं, वही क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। उसकी जो ऑक्सीलेशंस की, जो ऑक्सीलेशंस के जो नंबर्स होते हैं ना, ठीक है ना, वही क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी। बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका जो फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टी। यहाँ पे जो टी क्या है, यहाँ पे टी है टाइम पीरियड है, क्या है यहाँ पे टी, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, जो एक ऑक्सीलेशन है, यहाँ पे लिखा है एक, जो एक ऑक्सीलेशन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वही क्या होता है, टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, यही क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी अलग है और टाइम पीरियड अलग है। फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितने ऑक्सीलेशन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन देखते हैं पर यूनिट टाइम में हम, ठीक है ना, वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका फॉर्मूला है वो वन अपॉन टी है। फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन टी। इसका मतलब है कि एक जो ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, वही क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। यहाँ पे बात समझ आ गई, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट एंड टाइम पीरियड इज डिफरेंट, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको फिर से रिपीट कर दूं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन देखते हैं पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना, वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जितने ज्यादा ऑक्सीलेशन होंगे उसके पर यूनिट टाइम में, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी, मीडियम की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। वही बात, जितने कम ऑक्सीलेशन होंगे पर यूनिट टाइम में, उतनी ही कम क्या होगी उस मीडियम की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है बच्चों। अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था उसमें था वन अपॉन टी, वन अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या था यहाँ पर, कैपिटल टी है यहाँ पर टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड। और मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, यही क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे जो टोटल जो टाइम टेकन है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता रहे थे। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड, क्योंकि है तो क्या है, समय ही है, टाइम ही है, बट वहां पे एड ऑन क्या कर दिया हमने कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। उसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम डिनोट करते हैं एच जेड से। किससे डिनोट करते हैं? एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ट्ज। एच जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हमने पूरी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। अब आपको अच्छे से यहाँ पे इसको समझ आ गई। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के जो ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे ग्राफ्स ऑफ साउंड वेव है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला ग्राफ रहेगा वो डेंसिटी वेरिएशन रहेगा और दूसरा ग्राफ हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर वेरिएशन। अब डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन में हम देखते हैं कि पहला हम देखते हैं कि डेंसिटी वेरिएशन में हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ जो साउंड है ये क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, वाइब्रेशन निकलता है। वाइब्रेशन निकलता है तो मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन निकलता है तो आगे की जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, मीडियम क्या लिया हमने, एयर लिया। एयर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। प्रेशर डेवलप होता है तो वहां पर कौन सा एक रीजन डेवलप क्रिएट हो जाता है, वहां पर एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। जब हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो वहां पर डेंसिटी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसलिए आगे की तरफ क्या होगी, डेंसिटी हाई हो जाती है। ठीक है, फिर वापस से वो क्या करता है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है जिससे क्या हो जाता है, लो प्रेशर डेंसिटी क्या हो जाती है, मतलब लो प्रेशर रीजन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है तो वहां पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, तो यही पर हमने यहाँ पे इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है क्रिएट उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, और जहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ है तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। ये एक सीरीज बन जाती है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके एक सीरीज बन जाती है। ठीक है बच्चों, सेम इसमें भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ साउंड है प्रेशर वेरिएशन में। जहां पर स्टार्टिंग में वही बात है, प्रेशर लगता है तो फिर क्या, कौन सा रीजन डेवलप या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर रीजन क्या हो जाता है, यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो फिर पीछे की तरफ हटते हैं तो वापस वहां पे क्या आ जाता है, लो प्रेशर रीजन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होती है, एक सीरीज चल पड़ती है। ठीक है ना, सीरीज चल पड़ती है तो फिर पहले हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन, ऐसे करके क्रिएट होता है और एक सीरीज चलती है। ठीक है, तो इसमें जो हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे, लो प्रेशर रीजन को आर से, सी आर सी आर, ऐसे करके सी आर करके एक पूरी क्या चल जाती है, सीरीज चल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, हो गया डेंसिटी वेरिएशन का और यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन का। अब हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम डेंसिटी और प्रेशर दोनों को यहाँ पे अच्छे से हम समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्राफ को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम या तो फिर एक तरफ क्या लेंगे, डेंसिटी लेंगे और प्रेशर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एट अ टाइम वन लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, एट अ टाइम क्या लेंगे, हम एक चीज लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या, ये जो पीक पॉइंट है ना, ये जो पीक पॉइंट है इसका मतलब क्या है, पीक पॉइंट्स भी क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन है तो डेंसिटी भी क्या होगी, पीक पॉइंट्स भी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की। वहीं पर जो ये ट्रॉफ है, क्या है, ट्रॉफ, ये क्या होगी, हाई प्रेशर रीजन है। जो पीक पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे, यहां पर हम इसको बोलेंगे क्रेस्ट। ठीक है, वहीं पर यहां पर जो ट्रॉफ है ये क्या है, लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ये क्या है, लो प्रेशर रीजन, और यहां पर डेंसिटी क्या होती है, लो प्रेशर रीजन और डेंसिटी क्या होती है, यहां पर लो होती है, या फिर इसको लिख देते हैं कम होती है यहां पे डेंसिटी। वहीं पे क्रेस्ट पे क्या होता है, क्रेस्ट है क्या है, पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट है तो यहां पे प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा रीजन, हाई प्रेशर रीजन, और डेंसिटी क्या होगी यहां पर, ज्यादा होगी। बात समझ आ गई क्या आपको, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी और प्रेशर के साथ हमारा क्या हो गया, यहां पर ये ग्राफ बन चुका है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज यहां पे समझने वाली ये है कि जो दो क्रेस्ट होते हैं, मतलब जो दो पीक पॉइंट है या दो क्रेस्ट या दो फिर ट्रॉफ के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दो क्रेस्ट या दो ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो ये
ये जो क्रेस्ट है या जो पीक पॉइंट है, जो हाई प्रेशर रीजन है, इसको हम बोलते हैं तो क्या है, सी से डिनोट करते हैं हम कंप्रेशन बोलते हैं, वहीं पे जो लो प्रेशर रीजन है इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि दो कंटिन्यूम है ना, दो कंटिन्यूस में क्या होंगे, कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर दो कंटिन्यू रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये और ये, ठीक है, ठीक है ना, इन दो रेयर फ्रैक्शन के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है कंटिन्यू में, उनको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। वहीं पर जो दो कंप्रेशन के कंटिन्यू, दो कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ बोलेंगे। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। बात समझ आएगी, वेवलेंथ की यही मतलब डेफिनेशन होती है कि जो दो पीक पॉइंट होते हैं कंटिन्यू में उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वही क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। अब वेवलेंथ है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर। मीटर क्यों होगा बेटा, है तो क्या, डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो है, तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स है, तो इसकी जो सेंटर है तो वो क्या, रेस्ट स्टेज है इसकी, क्या है, रेस्ट स्टेज है ये पार्टिकल की। अब क्या है कि जब अपने ये हाईएस्ट पीक पर जाता है ना, जब ये अपने क्या जाता है, हाईएस्ट पीक पर जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बात समझ आ गई क्या, जब क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो रेस्ट से कहाँ जाता है, अपने हाईएस्ट पीक पर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब देखो एम्पलीट्यूड, इसमें देखो एम्पलीट्यूड क्या, यहां से यहां तक का जो होगा ना रीजन, वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। बात समझ आ गई क्या, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब में। बात समझ आएगी, ठीक है ना। तो अब जो मैंने आपको वेवलेंथ लिखाई है इसका लिखवा देती हूँ, और एम्पलीट्यूड लिखा है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ, ठीक है ना। ये हो गया हमारे ग्राफ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया हमारा वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। तो आपको पढ़ के सुना देती हूँ वेवलेंथ की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्सिक्यूटिव रिफ्रैक्शन कॉल्ड द वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, ऐसा यूनिट ऑफ लैम्ब्डा इज मीटर, क्योंकि मीटर ही एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड की, ठीक है ना। तो यहाँ पर है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द मीडियम ऑन at the side of the mean value is called the amplitude of the wave. इसको क्या बोलेंगे, amplitude of the wave, ठीक है ना। mean value से मतलब यहाँ पे जो rest की position से highest कितना distance cover कर सकता है, ठीक है ना, highest कितना distance होता है वो ही क्या कहलाता है, आपका amplitude बोल रहा है। देखो यहाँ पे इसने यही बोलने की कोशिश, magnitude of the maximum distance इन द मीडियम, ठीक है ना, मीडियम में जो रेस्ट की जो पोजीशन होती है उससे कितना डिस्टेंस कवर होता है, वही क्या होती है हमारी, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अब जो वॉइस होती है उसकी जो लाउडनेस होगी या उसकी सॉफ्टनेस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है, कि ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगी, वॉइस क्या होगी, लाउड होगी, ठीक है ना, वॉइस क्या होगी, वॉइस में क्या होगी, लाउडनेस होगी, अगर वहां पर क्या होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। वहीं पर क्या होगा, सॉफ्टनेस कब होगी, जब वहां पे क्या होगा, लेस एम्पलीट्यूड होगा तो वॉइस में क्या होगी, सॉफ्टनेस होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब समझ गए, अपनी जो रेस्ट पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा तो मोर एम्पलीट्यूड, लेस डिस्टेंस होगा तो फिर क्या होगा, वो सॉफ्ट वॉइस होगी, ठीक है ना। वहां पे बात समझ आ गई, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। सो और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, एम्पलीट्यूड को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।